इस बेहद सुंदर प्रयोग के अंदर हम अखबार से कटी एक हथेली की मुड़ी उंगलियों को का पानी में रखते हैं और धीरे धीरे ये हथेली पूरी खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको अखबार के कागज़ से कटी एक हथेली, एक मकड़ी का जाल आदि चाहिए। ये देखिए अखबार है, इसका गोला कटा है, बीच में आप एक मकड़ी बनाइए और बाद में एक मकड़ी का जाल बनाइए और उसके बाद में कैंची लेकर के जो अर्ध गोले हैं उनको काट दीजिए और इस तरह से एक छः बिंदुओं वाला आप एक सितारा बनाइए। ये देखिए बीच की लाइनें भी काट दीजिए क्योंकि इससे हम अच्छी तरह से कागज़ का खुलना देख पाएंगे। उसके बाद में एक पतली फ्रूटी की स्ट्रॉ लीजिए और जो सितारे के जो पांचों बिंदु हैं इनको केंद्र की ओर आप इस तरह से मोड़ दीजिए। ये देखिए छह बिंदु मुड़ गए इस सितारे के और अब आप इस मॉडल को जैसे ही एक पानी की प्लेट में रखेंगे, अब क्योंकि अखबार जो है सेल्युलोज का बना है, पेड़ों का बना है, उसके अंदर बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जिससे पानी अंदर रिसता है और धीरे करके ये जो छह बिंदु हैं तारे के वो एक तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। जो बिल्कुल मुड़े हुए थे वो एकदम अब चपटे हो जाएंगे। ये देखिए मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट है अखबार के अंदर, आप उसको काट लीजिए और मोबाइल को दोनों तरफ से मोड़ दीजिए, इस इश्तहार को अखबार के दोनों तरफ से मोड़ा है और इस मुड़े हुए मॉडल को आप पानी से भरी प्लेट में जैसे ही रखेंगे, भाई अखबार जो है केशिकाओं का बना है, बहुत सारी कैपिलरीज हैं जिसमें पानी धीरे धीरे से रिसता है और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही पानी गीला होता है, ये कागज़ गीला होता है, वैसे ही वो बिल्कुल चपटा होता जाता है, समतल होता जाता है, सारी केशिकाएं बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। अभी देखिए अखबार का ये मोबाइल पानी पे तैर रहा है। इसी तरह से आप अखबार की एक हथेली काटिए और पाँचों उंगलियों को अंगूठे समेत आप अंदर की ओर बिल्कुल कर्ल कर दीजिए और इस एक तरह से एक बिल्कुल बंधी हुई मुट्ठी बन जाएगी और जैसे ही आप इसको पानी में रखेंगे वैसे ही केशिकाओं कैपिलरी के ज़रिए उसमें पानी का प्रवाह होगा और देखिए धीरे धीरे करके जो मुट्ठी थी वो खुलेगी और सारी उंगलियां एकदम अब चपटी हो जाएंगी। ये बहुत ही रोचक प्रयोग है जिसको आप सादे अखबार से कर सकते हैं। बच्चे सबसे अच्छी तरह से विज्ञान करके सीखते हैं सस्ती चीज़ों से।